यूपी के शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस अभिरक्षा से कुख्यात कैदी फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि अपराधी पर 29 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ जेल में बंद कुख्यात आदित्य राणा को पुलिस कस्टडी में बिजनौर पेशी पर ले जाया गया था, जहां पेशी से लौटते समय रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र में रेड चिली होटल पर पुलिस खाना खाने के लिए रुकी और इस दौरान कुख्यात अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर एक दरोगा, 3 कांस्टेबल्स को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। वहीं कैदी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें बनाकर तलाश कर रही है। देखिए, ये मुलजिम जो है लखनऊ जेल में निरुद्ध था। लखनऊ से ये बिजनौर पेशी के लिए गया था। बिजनौर में भी इस पे क्या नाम है मुकदमे दर्ज हैं। वहाँ पर ये लखनऊ से पेशी पर गया था और पेशी करने के बाद, वहाँ पर पेश होने के बाद में ये लोग वापस आए हैं। वापस आकर के थाना रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र में जनपद शाहजहांपुर में ये लोग खाना खाने के लिए रुके और वहीं पे पुलिस बल जो इसके साथ में लखनऊ से आया था उनको चकमा दे करके ये फरार हो गया। इस संबंध में थाना आरसी मिशन पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जनपद लखनऊ और जनपद बिजनौर की पुलिस को सूचना दे दी गई है आवश्यक कार्रवाई के लिए और हमारी टीम लगी हुई है इसको पकड़ने के लिए। कौन बदमाश है, क्या नाम है इसका और अभी तक प्रथम दृष्टया जांच में क्या कुछ लापरवाही सामने आई? अभी इसमें जो है मुलजिम का जो अपराधी है इसका नाम है आदित्य राणा और इस पर अभी जानकारी में 28 मुकदमे दर्ज हैं और जिनमें सभी गंभीर धाराओं के अपराध हैं और अभी जांच तो इसमें संबंधित जनपद से होगी। हमारे यहाँ जो मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।